संपूर्ण संगीत सीखें इस किताब से। सिर्फ एक ही किताब को खरीदने से, इसका अध्ययन करने से पूरा संगीत आपको आ सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हाइपरबली, कोई बढ़ा चढ़ाकर, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं मैं। ये कोई क्लिक बेट नहीं है यूट्यूब का टिपिकल जो वीडियोस आते हैं ना, 30 दिन में संगीत सीखें, या सिर्फ इस धुन को कर लीजिए, सिर्फ एक राग ये सीख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये वैसा वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। और जो लोग स्वरांगिनी द म्यूज़िक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, वो ये चीज़ मानेंगे कि इस वीडियो में मैं एक एक अक्षर जो बोलूँगा वो सत्य होगा। पूरा वीडियो देखिए। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। पिछले 11 साल से ऑनलाइन संगीत प्रवाह वर्ल्ड नाम से मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी के द्वारा शुरू करी गई एक मुहिम को लेकर हम सब, उनके शिष्यगण और आप सभी लोग उनके शिष्यगण, हमने इस मुहिम को कायम रखने का एक प्रयास किया है कि विश्व को, पूरे विश्व को संगीत सिखाएंगे। द वे टू यूनिवर्स की बात करी है, तो इसका एक माध्यम हमारी किताब है स्वरांगिनी। स्वर के अंग से भरी हुई, जिसके अंग अंग में स्वर है, रस है, लय है, ताल है, पूरा संगीत है। पिताजी ने जब ये किताब का निर्माण किया, जब इसमें जो जो चीज़ें संकलित उन्होंने करी, कुछ रची, तब ये किताब बड़ी छोटी सी किताब थी। यानी इसमें इतने ज़्यादा पन्ने नहीं थे, इतना ज़्यादा कंटेंट, जिसे आज की भाषा में अगर कहते हैं, या मटेरियल जो था वो नहीं अवेलेबल था। बहुत सारी किताबें हैं, हमारे विष्णु नारायण पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जो किताबें हैं, दिगंबर पलुस्कर जी की जो किताबें हैं, ऐसी बहुत सी और भी किताबें हैं, राग परिचय हैं, जिनमें बहुत सारा मटेरियल है लेकिन आधा इधर है आधा उधर है, तो हमें मालूम नहीं है कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। कोई क्रम नहीं था। गुरुओं के पास सीखने जाओ तो वो कॉपियाँ डायरियाँ बनवाते थे, उनसे सीखना हो तो वो अपने क्रम अनुसार सिखाएंगे। किसी का कोई सिलेबस जो है संगीत का निर्धारित नहीं था। ये चीज़ जब मेरे पिताजी ने देखी संगीत जगत में, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे विष्णु नारायण भातखंडे जी ने नोटेशन सिस्टम, लिपि, संगीत की स्वरलिपि पद्धति बनाने का जो एक प्रयास किया और एक परिवर्तन लाया संगीत जगत में, उसी तरह से मेरे पिताजी ने भी, मेरे पिता गुरु ने भी, संगीत प्रवाह वर्ल्ड के निर्माता ने भी, हमारे निर्देशक ने भी यही प्रयास किया कि इस शिक्षा प्रणाली में ज़रा बदलाव लाया जाए, एक सिलेबस का, एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। क्रम क्या होना चाहिए सीखने का, पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये उन्होंने तय करने की कोशिश करी और थोड़ा अपना रिसर्च करी। ऐसा नहीं कि बस यूं ही मुंह उठाए और बना दी कोई भी किताब, कहीं से भी कुछ भी लेकर, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। पूरा अपना विश्लेषण है उनका, अपना एनालिसिस है, पूरी रिसर्च है कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या सीखना पहले ज़रूरी है, फिर क्या सीखें। तो ये सारी चीज़ें स्वरांगिनी द म्यूज़िक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड में हैं। अब ये किताब इतनी आज के, अगर मैं डेट में कहूँ तो इतनी बड़ी बन चुकी है आज की तारीख में, इसमें इतना कुछ मटेरियल है कि एक संगीत का ग्रंथ बन चुका है कि आपको दूसरी कोई और किताब लेने की ज़रूरत नहीं। आपको बड़ा ख्याल सीखना है, इसमें है, छोटा ख्याल सीखना है, इसमें है, लय लयकारी सीखनी है, इसमें है, अलंकार सीखने हैं, इसमें है, थाटों की जानकारी इसमें है, रागों के परिचय की जानकारी इसमें है, हर प्रकार की जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। आपको अलग अलग बहुत सारी रागें मिलेंगी इसमें, और वो भी क्रम अनुसार, और उनका आपको वीडियो मटेरियल भी मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात है इस बुक की, जो और किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका वीडियो मटेरियल भी अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है वोकल एंड हारमोनियम लर्निंग कोर्सेज की, जैसा कि आप देख सकते हैं। लय एंड ताल लर्निंग की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, हर प्रकार की हारमोनियम टेक्निक्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये सारी प्लेलिस्ट में जो जो सिखाया गया है प्रैक्टिकली, उसका थ्योरी पार्ट जो है सारा इस किताब में अवेलेबल है। तो ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, और आप सभी लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस किताब का, वो अग्री करेंगे कि ये एक किताब आपको पूरा संगीत सिखा सकती है। संपूर्ण संगीत आपका होगा, आप सीख सकते हैं। ज़रूरत है इस किताब को फॉलो करने की।
अब ये किताब आप कैसे खरीद सकते हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। बाहर सी चीज़ है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है और पीडीएफ भी अवेलेबल है, क्योंकि आज की तारीख में हर जगह हार्ड कॉपी पहुंच पाना, हार्ड कॉपी संभाल पाना, ले पाना, पोर्टेबिलिटी उसकी मुमकिन नहीं हो पाती है। मोबाइल का टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस का ज़माना है, पीडीएफ्स का ज़माना है ना। तो आप पीडीएफ्स का इस्तेमाल करते हैं एंड पीडीएफ्स में आप जूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंटेबल है, आप बार बार उस पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ सुविधाएं हैं। देखिए, मैं इस वीडियो के कमेंट्स ऑफ रखूंगा, इसीलिए जो भी आपको सवाल करने हैं आप ये जो नंबर आ रहा है इस पर कर सकते हैं। कमेंट्स ऑफ रखने का एक ही इसका मेरा जो रीज़न है वो सीधा सा और बड़ा सिंपल सा है। इस किताब की पायरेटेड कॉपीज़ बहुत लोग बेच रहे हैं, है ना। वो तो होता ही है, जो काम अच्छा होता है उसकी कोई ना कोई कॉपी करने लगता है और उससे अपना फ़ायदा उठाता है, उसे कैश कर लेता है, अगर उसे सरल भाषा में कहें तो। ये हमारे साथ भी हो रहा है, स्वरांगिनी के साथ भी हो रहा है, होता आया है और होता रहेगा। इसीलिए मैं थोड़े अपनी तरफ से हम ज़रा उस पर जो भी सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं, जैसे पीडीएफ में हमने पासवर्ड लगा रखा है एंड ऐसी ही कुछ कुछ उसमें कॉपीराइट्स हैं, जो अगर आप सेल करते हैं अपना नाम लगा के, जाली नाम लगा के, तो आप पकड़े जा सकते हैं, सज़ा है उसकी। तो प्लीज़ आप ऐसी हरकतें ना करें। संगीत है, संगीत को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें प्लीज़ ये प्लेजरिज्म ना घुसाएं। आप संगीत को संगीत दृष्टि से सीखें, उसको ही देखें, वैसी ही पाक साफ नजर रखें, पवित्र नजर रखें, तो ही आपको संगीत आएगा। वगरना निश्चल नहीं होगे तो संगीत आपका है नहीं। माँ सरस्वती सफेद रंग, उसमें छोटा सा भी दाग होता है तो नजर आता है, ठीक है। तो ये प्रयास कीजिएगा कि ऐसी हरकतें ना करें। बाकी अगर इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं, लेकिन नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए भी, और एक थोड़ा सा रिन्यूअल भी हो चुका है क्योंकि किताब में, तो उसकी भी डिटेल्स लय ताल के बारे में है। जैसा कि पीडीएफ का भी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। लय ताल से हम शुरू करते हैं हमारी शिक्षा को और फिर हम आते हैं अलंकारों पर। अलंकार आपको सिखाते हैं विभिन्न प्रकार के, दो चार नहीं, बहुत सारे 10 पेज के अलंकार हैं, जिसको हम 10 जो थाट हैं हमारे उन थाटों में करते हैं, जो भारतीय शास्त्रीय पद्धति के जो थाट हैं उत्तर भारतीय, उन 10 थाटों में हम आपको घुमाते हैं। फिर 12 जो पिचेस हैं अलग अलग, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली और नीचे की 7 सफ़ेद। तो 7 सफ़ेद और 5 काली, यानी सी सी शार्प डी डी शार्प, ये जो आपके 12 पिच होते हैं, इन सब में 10 थाटों में ये 10 पेज के अलंकार जब आप बजाते हैं और 8 प्रकार की लयों में, जब प्रारंभिक 6 तालें, वैसे तो बहुत भिन्न प्रकार की तालें भी होती हैं, पर प्रारंभिक ये 6 सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जब आप इस जाल में घूम कर फिर जब राग पर आते हैं, तब आप एक तैयार विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि राग गायकी में फिर आपको कोई भी टेक्निकलिटीज़ नहीं सोचनी है कि लय, ताल, सम, खाली ये क्या है, है ना। कॉम्पोजिशन में सुर का लगाव, पलटना उस सुर को, कॉम्प्लिकेटेड सुर संगतियाँ, ये आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा, क्योंकि आपने अलंकारों में लय ताल से के जाल में गुजर कर ये सारा जो अपने आप को पक्का किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप रागों पे आते हैं, और राग भी ऐसे नहीं कि आपको हम पहले यमन भोपाली सिखा देंगे, बिमपलासी देशकार सिखा देंगे, जैसा कि उमूमन क्लासेस में होता है, नहीं, हम आपको संपूर्ण जाति के रागों से शुरुआत कराएंगे, और वो भी प्रारंभिक 10 थाटों पर आधारित, उनकी आश्रित रागों से हम शुरुआत कराते हैं। मेरे पिताजी का यही क्रम है सिखाने का, ये उनकी सोच है कि आप शुद्ध से बढ़िए, संपूर्ण से बढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे जाइए ना, उसके बाद एक सुर बदलिए, फिर 2 सुर काटिए या सुर मिलाइए, है ना, सुरों का वक्र होना या सुरों का अल्प होना या वर्जित होना, ये तब एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी गा पाता है जब उसने संपूर्ण जाति की रागें, शुद्ध रागें, आश्रित रागें सीखी हैं, तब जाके वो जन्य रागों के चलन को समझ पाता है, क्योंकि ये चीज तो सब लोग जानते हैं, अग्री करेंगे, जितनी जन्य रागें हैं निकली उन्हीं आश्रय रागों से है, वही 10 रागें हैं जिनके आज अलग अलग प्रकार बन के घूम रहे हैं, कल्याण अंग है, भैरव अंग है, रागांग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आश्रय रागें सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो उन 10 रागों को सीखने के बाद आते हैं आप अन्य जन्य रागों पर, जिसमें कि अगर मैं क्रम बताऊं तो बिलावल भैरवी कल्याण, बिलावल भैरवी यमन, भैरव काफी, खमा जासावरी, मारवा पूर्वी तोड़ी, ये 10 हमारी आश्रय रागें हैं। इसके बाद जो रागें आप सीखते हैं, अलैया बिलावल है, मालकौस है, केदार है, कालिंगड़ा है, भीमपलासी है, देस है, सोहनी है, उसके बाद मेरे ख्याल से दरबारी है, मुल्तानी है, इस प्रकार से और भी कई सारी रागें हैं। उसके बाद इनके बड़े ख्याल हैं, इनमें उपजंग कैसे लाना है उसके बारे में चर्चा है, स्वर विस्तार कैसे करना है, बढ़त कैसे करनी है उस बारे में चर्चा है, तराना है, चतुरंग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्वरांगिनी में अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, बस ज़रूरत है आपको उसको क्रम से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से और गाइडेंस
कि ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ये वो किताब नहीं है कि पढ़ा और कुकिंग कर ली, वो कुकिंग वाली बुक नहीं है ये, है ना, इसको समझने के लिए गाइड की आवश्यकता है। और ये किताब अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो लोग हिंदी लिपि जो देवनागरी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं वो अंग्रेज़ी में भी इसे मंगा सकते हैं। तो आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने है, यूट्यूब पर हमने सब चीज़ अवेलेबल करा रखी है, किताब हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, किस बात की देरी है, किस बात की झिझक है, किस बात का इंतज़ार है आपको कि अब क्या करना है, अब क्या और क्या चाहिए जिस वजह से हम सीखना शुरू करें। सब कुछ आपके पास है, ज़रूरत है तो स्वाध्याय की, स्वप्रेरणा की, आपको थोड़ा सा खुद को जगाने की, जैसा कि मेरे पिताजी कहते हैं, उठो जागो और रियाज करो। विवेकानंद ने कहा है ना कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो वही चीज़ है, उठो जागो और रियाज करो। तो स्वरांगिनी है, उसे खरीदिए, उसे मंगाइए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि किताब खरीद लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, विधिवत ढंग से सीखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ। सिर्फ वीडियोज़ को फॉलो मत कीजिए कि मास्टर निषाद आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो हम आपकी जो ये वाक कुशलता है इसको देखने के लिए वीडियोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। मैं आपका मददगार हूँ, आपका सहायक हूँ, मैं भी एक शिष्य हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे वैसा ना कंसिडर करें। मैंने जो कुछ सीखा है मैं आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और यही क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक मकसद होता है कि जो आप अपने गुरु से सीखते हैं आप आगे उसको बांटते हैं, आप अपने आप तक रखते नहीं हैं, बस इसी वजह से मैं सिखा रहा हूं और कोई वजह नहीं है, मुझे कोई सर्वज्ञ नहीं हूं मैं, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, स्वरांगिनी ज़रूर मंगाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।